भीखू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करके ही अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन भीखू अक्सर बहुत ही दुखी रहा करता था। उसकी पत्नी गुलगुली मोटी और कामचोर औरत थी। वह दिन भर सोती और खाया करती थी। एक दिन गुलगुली अपनी झोपड़ी में बैठी समोसे खा रही थी। अरे वाह वाह, लल्लू की दुकान के समोसे तो बहुत ही अच्छे हैं। इनकी तो बात ही अलग है, कितने स्वादिष्ट हैं। वाह वाह, मेरा तो मन ही नहीं भरता, बड़े मजेदार हैं। हाँ, और बहुत ही स्वादिष्ट। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया, पेट भर कर समोसे खा लिए। अब थोड़ा आराम करती हूँ, कितनी थक गई मैं समोसे खा के। समोसे खा के जो नींद आती है उसका तो जवाब ही नहीं। और गुलगुली आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। तभी उसका पति भीखू खेत से थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है और देखता है कि गुलगुली खर्राटे मारकर सो रही है। अरे अरे, दोपहर होने को आई है और ये मुटल्लो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। क्या करूं मैं इसका, पता नहीं आज भी खाने को कुछ है या नहीं। भीखू को ऐसा बोलने के बाद भी गुलगुली आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। अरे लगता है ये नहीं उठेगी, भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अब तो मुझे ही अपने लिए कुछ भोजन बनाना पड़ेगा, वरना भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ। जिसके बाद भीखू रसोई में जाता है और एक डिब्बे में थोड़े चावल और दाल देखता है। अरे अब क्या ही किया जाए, चलो इन्हीं थोड़े चावल और दाल से खिचड़ी बना लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद भीखू चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगता है, जिसकी खुशबू गुलगुली के पास जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है, वाह चलकर देखूं तो सही आखिर बन क्या रहा है। जिसके बाद गुलगुली रसोई में जाती है और भीखू को चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए देखती है। अरे वाह वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए और ऊपर से अरे वाह मजेदार भोजन भी बना रहे हैं। वाह वाह, मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझसे भूख सहन ही नहीं हो रही। अरे भाग्यवान, समय तो देखो, सांझ होने को आई है और तुम अब तक सो रही थी, न जाने कब तुम्हें समझ आएगी। खैर क्या ही कहा जाए, तुम किसी की सुनती हो भला। अच्छा अब आओ बैठो, भोजन बन गया है, मैं अभी बाहर जाकर तबेले में जानवरों को पानी देकर आता हूँ। कब से चिल्ला रहे हैं। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब न जाने ये तो कब आएंगे, मैं भोजन कर लेती हूँ। हाँ। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मजेदार। और देखते ही देखते सारी खिचड़ी खा जाती है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने भूखी हथनी, सब खा गई, जरा सा ख्याल नहीं किया इस गरीब पति का, अब मैं क्या खाऊंगा। देखो जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हथनी कह के बुलाओ, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती तो क्या करूँ। न जाने किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। जिसके बाद बेचारा भीखू खाली पेट ही सो जाता है। सुबह होती है, गुलगुली आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी पड़ोस की रीमा की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कहाँ हो गुलगुली बहन, जरा बाहर तो आओ, देखो तो सही मैं तुम्हारे और भीखू भैया के लिए क्या लेके आई हूँ। अरे आओ आओ रीमा बहन, क्या लेके आई हूँ, आज तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। हाँ। अरे वो क्या है ना, आज थोड़े पकवान बनाए थे तो सोचा तुम्हारे और भीखू भैया के लिए भी ले चलूं। अरे हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा किया तुमने रीमा बहन, अरे बहुत ही अच्छा, वाह वाह मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। हाँ लाओ लाओ। अच्छा ठीक है, ये लो गुलगुली बहन, सारा अकेले ही मत खा जाना। हाँ, भीखू भैया खेत से आ जाए तो उन्हें भी दे देना, बाकी मैं चलती हूँ अब। अरे वाह वाह, कितना सारा भोजन है, वाह गर्मा गर्म पूड़ियाँ, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, वाह वाह आज तो पेट भर के खाऊंगी। हाँ। अरे वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, वाह बहुत ही मजेदार, वाह वाह बहुत ही स्वादिष्ट। और वह सारा भोजन खा जाती है। अरे अरे, ये क्या, मैं तो सारा भोजन ही खा गई, अब मुझसे तो भोजन ही नहीं बन पाएगा, इतना सारा भोजन खा के तो मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, ये जब खेत से आएंगे तो खुद ही बना के खा लेंगे, बड़ी नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, वैसे भी अगर आराम नहीं करूंगी
तो मेरी सुंदरता थोड़ी कम हो जाएगी। और गुलगुली फिर खर्राटे मारकर सो जाती है। भीखू हारा थका खेत से आता है। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या, जब देखो तब सोती रहती हो, लगता है तुमने भोजन कर लिया है। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है भाग्यवान, कुछ भोजन मेरे लिए भी तो बचा देती, बहुत भूख लगी है। आप आ गए, आओ आओ कुछ खाने को बना लो, मेरा तो अब सिस्टम ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास। रीमा बहन ने आज दिन बना दिया, क्या पकवान लाई थी, वाह बहुत थकावट हो गई। हाँ मैं आराम करती हूँ, आप बनाओ खाना। हे भगवान, पता नहीं हमारे पड़ोसी भी क्यों इस ड्रम को भरते रहते हैं, किसी दिन उनके ऊपर ही मुसीबत बन पड़े तब मजा आएगा। भीखू रसोई में जाता है लेकिन उसे अनाज का एक भी दाना दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, रसोई में तो एक भी अनाज का दाना नहीं है, अब कैसे और क्या पका कर खाऊंगा। हे भगवान, न जाने कैसी पत्नी पाई है मैंने, खुद आराम से भोजन करके सो रही है लेकिन अब क्या करूं, कहां जाऊं। और बेचारा भीखू दुखी मन से गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। तभी उसे एक आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा होता है। आओ आओ गांव वालों, मेरे पास आओ, मेरी ये असरदार गोलियां ले जाओ, किसी भी समस्या का इलाज मेरी इन गोलियों में है। हाँ इसीलिए आइए आइए, मेरी ये गोलियां ले जाइए। अरे क्या सच में भाई, किसी भी समस्या में तुम्हारी ये गोलियां असरदार हैं? बताओ बताओ। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम लेकर तो जाओ, ये गोलियां तुम जिस भी इंसान को दोगे इसका असर जरूर होगा। मेरे गुरुजी रंगीला की देन है ये, रंगीली गोलियां। अरे अगर मैं ये गोलियां गुलगुली को दूंगा तो क्या पता उसे थोड़ी अकल आ जाए और भोजन भी थोड़ा कम खाने लगे। हाँ यही सही होगा, ये गोलियां ले ही लेता हूँ। हाँ देखो भाई, मुझे भी ये अपनी असरदार गोलियां दे दो। हाँ अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी दिए देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये गोलियां अत्यधिक मात्रा में नहीं खानी होंगी, सिर्फ एक दो गोली ही अपना काम कर देगी, इसकी ज्यादा मात्रा इंसान के शरीर में नुकसानदेह होगी और इसका उल्टा असर होगा भाई। बोलो बाबा रंगीला की जय। जय हो रंगीला की जय हो। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद वह आदमी भीखू को कुछ गोलियां देता है, उस आदमी के हाथ में एक रुपया रखता है और उन गोलियों को लेकर घर पर चला आता है। अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे जी, कब से आपका इंतजार कर रही थी, आज तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, जाइए और बाजार से थोड़े चावल और दाल ले आइए, हाँ बहुत भूख लगी है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं भाग्यवान, अभी जाता हूँ, लेकिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, ये देखो रंग बिरंगी मीठी गोलियाँ, देखो खाकर देखो कितनी स्वादिष्ट है, है? क्या कहा जी, गोलियाँ, वैसे अच्छा किया, कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा था, लाइए मीठी गोलियां दीजिए मुझे। जिसके बाद भीखू गुलगुली को वो गोली दे देता है। ये लो भाग्यवान। अरे वाह सच में तो बहुत ही स्वादिष्ट गोली है, वाह वाह इतनी मीठी गोली तो मैंने आज तक नहीं खाई, वाह 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 बहुत ही मजे की है, लाइए लाइए ये सारी गोलियां मुझे दे दीजिए। हाँ अरे नहीं नहीं ये सारी गोलियां एक साथ नहीं खानी है, तुम भी ना कुछ खाने की वस्तु देखी नहीं कि बस टूट पड़ी है। अच्छा अच्छा अब मैं बाजार जा रहा हूँ। जिसके बाद भीखू वहाँ से बाजार चला जाता है और चावल दाल लेकर आता है, और तभी उसे एक समोसे वाले की दुकान दिखती है जिस पर बहुत भीड़ लगी होती है। अरे वाह क्या बढ़िया समोसे की खुशबू आ रही है, क्यों ना थोड़े समोसे ले लिए जाए और उस गोली का गुलगुली पर असर हुआ है या नहीं ये भी पता चल ही जाएगा। हाँ भीखू अपनी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि गुलगुली झोपड़ी में झाड़ू लगा रही होती है। अरे ये क्या भाग्यवान का ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं, लगता है वो गोली अपना असर कर रही है। हाँ अरे कहाँ हो भाग्यवान, ये देखो ले आया मैं बाजार से चावल और दाल, और देखो तुम्हारे लिए ये गर्मा गर्म समोसे भी लाया हूँ। हाँ अरे आ गए आप, ये चावल और दाल तो ठीक है लेकिन ये समोसे क्यों ले आए जी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, अभी तो भोजन बनाने के लिए घर में जल भी नहीं है, आप ये समोसे ही खा लीजिए, मैं पास के तालाब से जल लेकर आती हूँ। जिसके बाद गुलगुली हाथ में मिट्टी का मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह वो गोलियां तो वाकई असरदार है। हाँ
भाग्यवान तो बदल ही गई है। हाँ, ये अच्छा है। थोड़ी देर बाद गुलगुली पानी का मटका लेकर अपनी झोपड़ी में आती है। भीखू झोपड़ी में बैठा रहता है। ये देखिए जी, ले आई मैं तालाब से पानी। हाँ, अब जाकर रसोई में आपके लिए भोजन बनाती हूँ। अरे भाग्यवान, पर उसे एक गोली का ये असर हुआ है, अगर वो सारी गोलियां मैं इसे खिला दूं तो ये तो सर्वगुण संपन्न बन जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, भीखू सारी गोलियां लेकर गुलगुली के पास जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम भोजन बाद में पकाना भाग्यवान। ये लो, तुम्हें ये कल मीठी गोलियां बहुत पसंद आई थी ना, लो ये तुम सारी खा लो। हाँ, लो खाओ। अरे वाह, मीठी गोलियां, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट मीठी गोलियां हैं। उस दिन तो सिर्फ एक ही मजेदार गोली खाने को मिली, लेकिन आज तो मैं सारी गोलियां खा जाऊंगी। हाँ। अरे वाह वाह, बड़ी ही मजेदार गोलियां थी। अचानक क्यों बहुत थकान होने लगी है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ, भोजन तो मैं बाद में पका लूंगी। हाँ, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मैं भी खेत जा रहा हूँ, है तुम भोजन बाद में पका लेना। अच्छा तुम आराम करो, वैसे भी आज बहुत काम कर लिया तुमने। अच्छा तो तुम आराम करो भाग्यवान, मैं चलता हूँ। जिसके बाद भीखू वहाँ से चला जाता है और गुलगुली आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद भीखू झोपड़ी में आता है और गुलगुली को देखता है, जिसके बाल बिखरे होते हैं, रंग एकदम काला और पहले से और ज्यादा मोटी, देखने में एकदम भयानक लग रही होती है। अरे अरे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हारा ये रूप आखिर कैसे हुआ? अरे न जाने क्यों चिल्ला रहे हैं, आखिर क्या हुआ है मेरे रूप को, मैं जरा आईने में तो देखूं। जैसे ही गुलगुली आईना देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, ये क्या हुआ मुझे, ये कौन है, ये तो मेरा रूप नहीं है, ये क्या हो गया, और ये क्या, मुझे तो अचानक बहुत जोरों की भूख लग रही है। जिसके बाद गुलगुली भागती हुई रसोई में जाती है, जहाँ खाने को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कुछ कच्चे चावल और दाल रखी होती है। ये क्या, खाने को तो कुछ भी भोजन नहीं है, लेकिन भूख तो सहन ही नहीं हो रही, ये कच्चे चावल और दाल खा लेती हूँ। गुलगुली जल्दी जल्दी खाने लगती है। सारे कच्चे चावल और दाल खा लेने के बाद गुलगुली एक के बाद एक रसोई के रखे डब्बे को देखने लगती है, लेकिन डिब्बों में उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसकी नजर कुछ गाजर और टमाटर पर जाती है। चलो चलो, अच्छा है, ये सब्जियां खा के अपनी भूख मिटाऊंगी। हाँ, भीखू यह सब खड़ा होकर देख रहा होता है। अरे अरे, ये सब क्या हो गया, भगवान की हालत तो पहले से ज्यादा विचित्र और खराब है, लगता है ये सब मेरे ही कारण हुआ है, मुझे उस गोली वाले को ढूंढना होगा, अभी जाता हूँ। अरे ये क्या, भूख तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही, क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ, मुझे भोजन चाहिए, वरना तो न जाने मैं क्या ही कर दूंगी। हाँ। जिसके बाद गुलगुली भागती हुई अपनी पड़ोसन रीमा के घर जाती है और उसकी झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। रीमा जैसे ही अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलती है, गुलगुली का भयानक रूप देख वो हैरान रह जाती है। अरे गुलगुली बहन, ये तुम्हें क्या हो गया? तभी गुलगुली रीमा को एक धक्का मारती है और उसकी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। बहुत भूख लगी है, हाँ, बहुत भूख लगी है, मुझसे भूख ही नहीं सहन हो पा रही। हाँ, क्या खुशबू है, वाह वाह, ताजा ताजा मच्छी, अरे वाह वाह। अरे गुलगुली बहन, लेकिन इन मछलियों को तो अभी पकाना बाकी है, तुम ये नहीं खा सकती हो। अच्छा, तो तुम मुझे मछलियाँ नहीं खाने देगी, अभी बताती हूँ तुझे। अरे अरे गुलगुली बहन, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो, अरे अरे न जाने तुम्हें क्या हो गया है, अच्छा चलो खा लो मछलियाँ, ये लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे वाह वाह, बहुत ही मजेदार मछलियाँ हैं, क्या स्वाद है, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जिसके बाद गुलगुली अपने दोनों हाथों से आटे को खाने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया है गुलगुली बहन को, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भीखू रोता हुआ गोली बेचने वाले के पास पहुंचता है। अरे भाई, ये क्या कर दिया तुम्हारी उस गोली ने, तुम्हारी दी गोली के कारण मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई है, मेरी मदद करो। मुझे सब समझ आ रहा है, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था, वो एक ही गोली काफी असरदार होगी, है जरूर तुमने ही अपनी पत्नी को एक से अधिक गोली खिलाई होगी। है ये सच है, तुम्हारी दी गई एक गोली काफी असरदार थी, हाँ, लेकिन पत्नी को जल्दी ठीक करने के चक्कर में मैं गलती कर बैठा। अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ,
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है। मेरे पास एक उपाय है। तभी वह आदमी भीखू को एक कांच की शीशी देता है। ये लो, ये एक मेरी बनाई हुई बहुत ही मजेदार और चमत्कारी दवा है। इसे तुम अपनी पत्नी को पूरी पिला देना, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्या सच में मेरी पत्नी की हालत इससे ठीक हो जाएगी? हाँ बच्चा हाँ, बोलो बाबा रंगीला की जाए। जिसके बाद भीखू अपनी झोपड़ी में वह दवा लेकर आता है, लेकिन उसे गुलगुली कहीं भी नजर नहीं आती। अरे ना जाने अब कहाँ चली गई, आखिर कहाँ गई होगी। हाय लगता है आज तो मेरे घर का सारा अनाज ये गुलगुली बहन खा जाएगी। अरे अरे कोई तो बचाओ। रीमा की आवाज सुनकर भीखू उसके घर पर जाता है, जहाँ अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख वह हैरान हो जाता है। देखिए ना भीखू भैया, गुलगुली बहन को क्या हो गया है? कब से बस जो भी मेरी रसोई में भोजन दिख रहा है खाई जा रही है, अब आप ही कुछ कीजिए। अरे अरे गुलगुली, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये मीठी दवा लेकर आया हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे पीते ही तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। हाँ ये लो। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? ये स्वादिष्ट दवा है, इससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। हाँ लाओ लाओ दो मुझे। जिसके बाद गुलगुली वह दवा की शीशी पीती है और थोड़ी देर बाद ही गुलगुली की भूख शांत हो जाती है, उसका भयानक रूप ठीक हो जाता है। हाँ अब मेरी भूख शांत हो गई है, लेकिन ये क्या हो गया था मुझे जी, क्यों मेरी भूख शांत नहीं हो रही थी? चलो अच्छा हुआ भीखू भाई वक्त से दवाई ले आए तुम, वरना आज तो मैंने सोच लिया था कि सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मुझे भी खा जाओगी। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, ये सब मेरे ही कारण हुआ, उन्हीं मीठी गोलियों के कारण जो मैंने तुम्हें दी थी। ये आप क्या बोल रहे हैं जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाग्यवान, अगर मैं तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाने का लालच ना करता, तुम्हें वो सारी गोलियां ना खिलाता, तो तुम्हारी ये हालत ना होती। मुझे माफ कर दो भाग्यवान। नहीं जी, इसमें मेरी भी तो गलती है। अगर मैं पहले ही अपनी पत्नी धर्म को निभाती, आपको भोजन बना के देती, काम चोरी नहीं करती, तो आपको कभी आवश्यकता ही नहीं होती उन गोलियों को मुझे देने की। मुझे क्षमा कर दीजिए जी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिसके बाद गुलगुली अब रोज अच्छे से सारा घर का काम करती है, भीखू को खेत से आते ही भोजन पका कर देती है। अब भीखू और गुलगुली हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।